हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विदान किचन। आज मैं वेजी खमन रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो वेजी खमन रेसिपी जो बनेगी वो बेहद ही टेस्टी होगी और हेल्दी भी होगा, और आप इसे डिनर में या ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत लाइट होता है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल विदान किचन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूले फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेजी खमन। वेजी खमन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हरे मटर लिए हैं, तो मैं इसे थोड़ा चर्न करूंगी। हमें दरदरा चर्न करना है, तो इसे पहले हम चर्न कर लेते हैं। मटर हमारा चर्न हो गया है इस तरह से दरदरा। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। अब इसी जार में मैं पालक और टमाटर की प्यूरी तैयार करूंगी। इसमें पानी ऐड नहीं करूंगी, ये टमाटर के साथ ही अच्छी तरह से पिस जाएगा। पालक और टमाटर का पेस्ट रेडी हो गया है, बिल्कुल फाइन पेस्ट रेडी करना है हमें। तो हम इसे भी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और ये थोड़ा हीट हो गया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा सफेद तिल डालूंगी। तिल मैं तड़के में यूज कर रही हूँ इस तरीके से, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मैं रोस्ट करूंगी। थोड़े से ये ब्राउन हो जाएं, अच्छी तरह से क्रैक हो जाएं। मैं इसमें क्रश किया हुआ मटर ऐड कर रही हूँ। मटर को भी हमें रोस्ट करना है। तीन से चार मिनट हमें इसे रोस्ट करना है लो फ्लेम पे, ताकि इसका हल्का सा कच्चापन निकल जाए और इसकी स्वीटनेस बाहर आ जाए। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करूंगी। थोड़ा सा हल्दी। इसे लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। अब मैं इसमें टमाटर और पालक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसे भी दो से तीन मिनट हम रोस्ट करेंगे, ताकि पालक और टमाटर का कच्चापन निकल जाए। ये रेडी हो गया है फ्रेंड्स, ये कुक हो गया है। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सूजी लिया है। मेरा मेजरमेंट ये कटोरी है, तो इस कटोरी में मैंने जितना बेसन आपको दिख रहा है उतना ही मैंने सूजी लिया है। दोनों की क्वांटिटी इक्वल है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं
ये जो मैंने पेस्ट रेडी किया है रोस्ट करके मटर और पालक टमाटर का, ये तड़का हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें मैं 2 चम्मच दही यूज कर रही हूँ, अच्छी क्वांटिटी में दही यूज कर रही हूँ, भर भर के 2 चम्मच। अदरक और हरी मिर्च का कुटा हुआ पेस्ट है, इसे ऐड कर रही हूँ। पहले हम इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन और सूजी की गुलथियां नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो अब हम देखते हैं कि हमारा बैटर अच्छी तरह से फूल गया है, सूजी ऑफ हो गया है। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें हमें और पानी की जरूरत होती है कि नहीं। हम इसमें थोड़ा सा 2 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे ताकि ये अच्छा मॉइस्ट बने हमारा वेजी खमन। हल्का सा पानी की जरूरत है हमें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। नमक हमने पहले भी थोड़ा सा ऐड किया था। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब मैं इसमें इनो ऐड कर रही हूं। इनो हमें एंड में यूज करना है, जब हमें इसे बनाना हो तभी हम लास्ट में इसे यूज करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। आधा नींबू का रस निचोड़ेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इन सभी चीजों को। फ्रेंड्स, मैंने पानी इसमें चढ़ा दिया था हीट होने के लिए, तो पानी हमारा बॉइल्ड हो रहा है। और ये मैंने 2 प्लेटें ग्रीस करके रखी हुई हैं ऑयल से, तो अब हम इसी प्लेट में इसे स्टीम करेंगे। तो हम बैटर को डाल लेते हैं। इनो डालने के बाद हमें इसे ज्यादा देर तक बाहर नहीं रखना है। 2 बराबर हिस्सों में हम दोनों में डाल लेंगे। अच्छी तरीके से हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसे थोड़ा टैप कर लेते हैं ताकि इसके बबल्स जो है वो ना रहे और ये बराबर हिस्सों में अच्छी तरह से फैल जाए, फ्लैट हो जाए। इसमें थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो मैं इसे बराबर कर लेती हूँ।
और फिर इसे अच्छी तरह से पैक कर देती हूँ। पानी हमारा बॉइल हो गया है तो अब हम इसमें इसे रख देते हैं। ध्यान से इसे भी हम रख देते हैं अच्छी तरह से और इसे ढक देते हैं। पंद्रह से बीस मिनट के लिए इसे हम स्टीम होने देते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं खमन हमारा कैसा है। तो खमन हमारा रेडी हो गया है फ्रेंड्स। ये स्टिकी नहीं है तो मतलब ये रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने तड़का लगा दिया है। तड़का के लिए मैंने सेसमी सीड्स और कुछ हरी मिर्च या लाल मिर्च जो भी आप यूज करना चाहें यूज किया है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। अब हम खमन को कट करते हैं। फ्रेंड्स इसकी प्लेटिंग मैंने कर दी है और ये मैंने ट्रायंगल शेप में इसे कट किया है और ये मेरी चटनी है जिसकी रेसिपी मेरी कई वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसकी गार्निशिंग करती हूँ। तो गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ। और थोड़े से सेव बारीक वाले सेव हैं। अब मैं इसमें कुछ अनार के दाने ताकि खाने के साथ साथ थोड़ा सा मीठा भी मुंह में जाए क्योंकि मैंने इसमें चीनी नहीं ऐड किया है तो इसका फ्लेवर काफी एनहेंस होगा। फ्रेंड्स ये रही वेजी खमन की शानदार प्लेटिंग। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा और आप भी मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा वेजी खमन रेसिपी। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए। फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है तो आलस क्यों, प्लीज क्लिक कीजिए लाइक बटन और मेरे चैनल विदान किचन को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।